हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में P120 यानी कि पैरासीटामोल सस्पेंशन की बात करेंगे। इसके डोजेस क्या होने चाहिए, क्या इसके प्राइस हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वगैरह वगैरह जानेंगे इस पूरे वीडियो में। वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह मेरे ड्रग के रिलेटेड जो वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो दोस्तों, P120 सस्पेंशन जो है अपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाती है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। आपको हर मेडिकल स्टोर में ये मेडिसिन देखने को मिल जाएगा, जो एलोपैथिक मेडिकल स्टोर है वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये P120 जो इसका प्राइस है जो एक पैरासीटामोल का, ये 35 रुपये आपको मिल जाएगा। 35 रुपीज़, 35 रुपये इसका इस समय प्राइस चल रहा है। प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है, अभी का रेट इसका 35 रुपये फ़िलहाल है। दोस्तों, इसके अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ये सिंगल पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IP है। सिंगल कंटेंट में है पैरासीटामोल, लेकिन इसके काम दो हैं। अगर बच्चे को, छोटे बच्चों में अगर फीवर की समस्या या अगर कहीं बॉडी पेन हो रही हो, तो ख़ास तौर से अगर हाथ पैर अगर दर्द कर रहा है तो उस केस में भी आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों, पैकिंग की बात करें तो ये 60 ml में है, एक साथ में कैप दिया है, कैप से आप इजीली पिला सकते हैं, कैप में ml मेंशन है। दोस्तों, अगर इसके डोजेस की बात करें तो यदि अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है और करीब 2 साल तक है तो आप इसको 3.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। आप इसको 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपने जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों की जो डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह से दें, नहीं तो इसके ओवरडोज से कुछ दिक्कत भी हो सकता है। यहीं अगर 2 साल से ऊपर है, 4 साल के अंदर है, तो आप 5 ml दिन में 3 बार, 3 से 4 बार आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो छोटे बच्चों में जो ये पैरासीटामोल होता है, ये लीवर को बहुत तेज़ डैमेज करता है। तो आप इसको अगर इसका इस्तेमाल करें तो पहले अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे लीवर पे छोटे बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें ओवरडोज से पेट में दर्द या वोमिटिंग भी हो सकती है, तो ऐसा होने पे आप अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह ज़रूर ले लें अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिखता है तो। लॉन्ग टाइम जैसे कि टाइफाइड या मलेरिया का फीवर लॉन्ग टाइम जैसे 5 से 7 दिन लगातार रहता है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ ये मेडिसिन भी ऐड करते हैं। दोस्तों, अगर 3 महीने से छोटा बच्चा है या बेबी बर्थ है तो आप इसके लिए ड्रॉप भी दे सकते हैं। ड्रॉप का भी वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन पे लिंक आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और उसके डोजेस जो भी होते हैं वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या कोई अगर दूसरी समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या इस वीडियो में कोई बात अगर हमारी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।